हेलो एवरीवन हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हमने आपको आयनिक बॉन्ड समझाया था आयनिक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है जो लूज करता है उस पर कैटायंस बनता है और जो गेन करता है उस पर उसको पे एनायंस बनते हैं तो ये कैटायन और एटायन आपस में कंबाइंड होकर सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं अब आता है कोवैलेंट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड जिसको हम कोवैलेंसी भी बोल सकते हैं इसमें क्या होता है देखिए लिखा है द वे ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इन्वॉल्विंग न्यूट्रल शेयरिंग ऑफ सॉरी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम इज नोन एज कोवैलेंसी और नॉन पोलर कॉम्बिनेशन जो नॉन पोलर एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं ये म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ अगर बॉन्ड बना रहा है तो एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरे हाइड्रोजन को और दूसरा वाला हाइड्रोजन पहले वाले हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ठीक है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है वो म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू हो रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते थे तो एक लूज करता था और एक गेन करता था बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है शेयरिंग होती है द इलेक्ट्रॉन आर शेयर पेयर एंड ईच एटम कंट्रीब्यूट इक्वल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन टू द पेयर मतलब जैसे ये हाइड्रोजन है ये ये हाइड्रोजन है इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों दोनों ही ऑर्बिटल में क्या हुए है? शेयर हुए हैं जिसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड ये होते हैं आपके शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन सिमिलरली क्लोरीन का देखो क्लोरीन के पास आउटर शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ भी इसके आउटर शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन है इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ शेयर किया तो इस क्लोरीन ने भी इस क्लोरीन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ शेयर किया तो शेयरिंग में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आए टू जब टू इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो बॉन्ड कितने बनेंगे वन ठीक ऑक्सीजन में देखो आउटर शेल में छः इलेक्ट्रॉन होते हैं दो ऑक्सीजन एटम अगर आपस में कंबाइन होंगे तो ये इसके दो इलेक्ट्रॉन को अपने में शेयर करेगा और ये ऑक्सीजन इसके दो इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ शेयर करेगा तो यहाँ भी दो दो चार इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है तो यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो जाता है तो जब इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है सेम यार नाइट्रोजन के आउटेशन में पाँच इलेक्ट्रॉन होते तीन इसको चाहिए होता है ये नाइट्रोजन तीन तीन इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन से शेयर करता है तो ये नाइट्रोजन भी अपना तीन इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन से क्या करते है शेयर करता है तो शेयरिंग में टोटल छः इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं जिससे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो कोवैलेंट बॉन्ड वहाँ बनते हैं जहाँ पर एटम्स आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की ठीक है ये जनरली कैसे होते हैं नॉन पोलर होते हैं द कोवेलेंट बॉन्ड कैन ऑल्सो वी फॉर्म बिटवीन सिमिलर एटम फॉर एग्जाम्पल डिसिमिलर एटम ये तो हमने सिमिलर सिमिलर एटम बताया था अब डिसिमिलर एटम के बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जैसे ये क्लोरिन इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये हाइड्रोजन से शेयर करता है तो ये हाइड्रोजन इसको डुप्लेट कंप्लीट करने के एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये क्लोरीन से शेयर कर ले रहा है तो यहाँ पर एस सी एल बन जा रहा है ऐसे सी सी एल फोर में भी कोवेलेंट बॉन्ड हो आपस में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे शेयर हो जाएंगे ठीक है बेटा तो इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड तो अब हम पढ़ते हैं क्या कैरेक्टर होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड फिजिकल स्टेट दीज कंपाउंड्स आर जनरली गैसेस और लिक्विड एट ऑर्डनरी टेम्परेचर ऑर्डनरी टेम्परेचर पे ये जनरली लिक्विड और गैस होते हैं दे आर सॉलिड ओनली व्हेन देयर मोलिक्यूल वेट आर हाई क्रिस्टल स्ट्रक्चर द Crystal of covalent compound are three types. Most of the com common types of covalent compounds are. Bound together by weak der wall force. These compounds are generally soft, easily fusible and volatile. For example, sulfur iodine is found in crystal nature. Mein. Second type of covalent crystal result when the atom unit with each other to form giant molecule. For example, diamond or SiO2 etc. थर्ड टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आर नोन एज लैटिस लेयर लैटिस फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट तो ये हो गए क्रिसके तीन तीन आपके कोवेलेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक एक में आपके बॉन्डर वॉल फोर्स वर्क करता है जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया सल्फर आयोडीन एक में आपका क्या होता है ये जॉइंट मॉलिक्यूल बनाते हैं जैसे आपका डायमंड हो गया और एक आपका लेयर्ड मॉलिक्यूल बनाता है जैसे आपका ग्रेफाइड हो गया सॉलिबिलिटी अगर देखी जाए तो दे आर इन्बल इन पोलर सॉल्वेंट क्योंकि इसमें पोलरिटी बहुत कम होती है इसलिए पोलर सॉल्वेंट में सॉलबल इनसॉलबल होते हैं लिक्विड अमोनिया लेकिन ना तो ये वाटर में सॉलेबल होते हैं ना ही अमोनिया में सॉलबल होते हैं बट आर सॉलबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजी सी सी एल फोर एक्सेट्रा कंडक्टिविटी जब ये ऑयनाइज ही नहीं होंगे किसी में सॉल्युबल ही नहीं होंगे पोलराइज ही नहीं होंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे तो क्या लिखेंगे दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दे हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दिस इज बिकॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ओवरकम द वडर फोर्स बाई विच दीज molecule आर हेल्ड टूगेदर बहुत छोटी सी एनर्जी हमें चाहिए होती है इनको ब्रेक करने के लिए क्योंकि ये एक दूसरे से बॉन्डर वॉल फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं स्पेस आइसोमेरिज्म कोवेलेंट बॉन्ड इज रिजिट एंड डायरेक्शनल दीज कंपाउंड शो स्पेस आइसोमेरिज्म तो ये थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड आई होप आपको समझ में आया होगा अब नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कॉर्डिनेट बॉन्ड या कॉर्डिनेट बैलेंसी द वे ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स इन्वॉल्विंग शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज कंट्रीब्यूट बाई ओनली वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम इज नोन एज कआर्डिनेट वैलेंसी इसमें केवल कोई एक एटम ही अपना लोन पेयर क्या कर देता है कॉर्डिनेट कर देता है डोनेट करता है ठीक है लेकिन वो पूरी तरह से डोनेट भी नहीं करता है सपोज़ हमारे पास एग्जाम्पल है अमोनिया का यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ शेयर हुआ है ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों के साथ शेयर हुआ है इस हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हुआ है अभी नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है, एट इलेक्ट्रॉन है अब यहाँ पे अगर कोई एच पॉजिटिव आ रहा है तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस एच पॉजिटिव को देता है पूरी तरीके से नहीं देता है बस इसको दो इलेक्ट्रॉन देता और बोलता है ये इलेक्ट्रॉन आप भी शेयर करो और मैं भी शेयर करूं तो ये कुछ इस तरह से बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमेशा हम एरो से डिनोट करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे वाटर है वाटर के पास टोटल एट इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे H प्लस आया तो वाटर अपना ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर इसके साथ शेयर कर देता है ठीक है ये शेयर करेगा लेकिन पूरी तरह से डोनेट भी नहीं करता है सिर्फ शेयर करता है यहाँ पे केवल एक ही एटम दूसरे एटम को शेयर करता है ठीक है तो यहाँ पे ये यह जो बॉन्ड बनता है इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं क्लियर बेटा अब आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड दीज कंपाउंड रिजेंबल कोवेलेंट कंपाउंड इन मेनी रिस्पेक्ट एज सबसे पहले कंडक्टिविटी दीज कंपाउंडस आर नॉट आयनाइज इन सोल्यूशन और इन द फ्यूज स्टेट हैंस दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जब ये आयनाइज ही नहीं होते हैं ये बिल्कुल कोवेलेंट बॉन्ड की ही तरह बनते हैं तो ये कंडक्टि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं. सॉलबलिटी दे आर जनरली इन सोलबल इन पोलर सॉलमेंट लाइक वाटर एंड लिक्विड अमोनिया बट सॉलबल इन नॉन पोलर सॉलवेंट लाइक बेंजी सी सी एल फोर एक्सेट्रा मेल्टिंग एंड बॉयलिंग पॉइंट ड्यू टू सेमी पोलर नेचर ऑफ द बॉन्ड दीज कंपंड हैल्टिंग एंड बॉयलिंग पॉइंट हायर दैन दोज ऑफ द कोवैलेंट कंपाउंड बट लोअर दैन दोज ऑफ द इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आइनिक बॉन्ड से कम और को बैलेंट से ज़्यादा होता है ठीक है स्पेस आइसोमेरिज्म सिंस द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिजिड एंड डायरेक्शनल दिस कंपाउंड शो स्पेस आइसोमेरिज्म आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा आज मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जनरल इंट्रोडक्शन दिया है ये सब आप इंटर में पढ़ के आ चुके होंगे इसलिए मैं बॉन्डिंग को यहाँ पे समझाने नहीं जा रही हूँ क्लियर बच्चों तो हमारा क्या क्या टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा आयनिक बॉन्ड कंप्लीट हो गया कोवेलेंट बाउंड कंप्लीट हो गया और कोऑर्डिनेट बाउंड कंप्लीट हो गया हमें मेन इनका कैरेक्टरिस्टिक देखना था कंडक्टिविटी सोलबिलिटी मेल्टिंग पॉइंट और स्पेस uh, आइसोमेरिज्म जो कि मैंने आपको बता दिया है तो आप इसको वन बाई वन अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा ओके बेटा थैंक यू